हाँ, एक कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आप सभी का लूव म्यूजियम में, जो कि फ्रांस का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ग्लोबली इसमें सबसे ज्यादा विजिटर्स आते हैं एवरी ईयर। अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं। लू लू को ढूंढने में इतनी दिक्कत हो गई ना, एंट्री बंद थी कहीं पे एंट्री खुली थी, तो वहां से पता नहीं था कैसे जाना है। फाइनली पहुंच गए। यस, दिस इज अमेजिंग। पेरिस इज सो ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, नेकेड आई से तो बिल्कुल अलग ही लग रहा है। कैमरा में भी ऑलमोस्ट आ ही रहा है, आपको दिख रहा होगा कितना ग्रैंड है ये। बाप रे, आजू बाजू का आर्किटेक्चर और लूप बीच में मॉडर्न। दिस इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। ये एक्चुअली पीक सीजन भी नहीं है, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ अगर पीक सीजन में आप लू देखने आओगे तो कितनी भीड़ मिलेगी आपको। अभी स्टाफ वाले ने बोला कि 4 PM की लाइन यहाँ पे है, तो हम वही चेक करने आए हैं कि ये सही है कि नहीं। लूप म्यूजियम की टिकट ऑलमोस्ट 22 यूरोस पर पर्सन है अडल्ट्स के लिए, पर अगर आप फर्स्ट फ्राइडे जाते हैं मंथ के, एक्सेप्ट जुलाई एंड अगस्त, ये 2 महीने छोड़ के अगर आप कभी भी मंथ के फर्स्ट फ्राइडे शाम को 6 बजे के बाद जाते हैं, तो आपको लूव में फ्री एंट्री मिल सकती है। तो आप पूरा म्यूजियम आराम से फ्री में घूम सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग 22 यूरोस। और क्या आपको पता है, लूव हमेशा से ही एक म्यूजियम नहीं था। पहले ये एक डिफेंसिव फोर्ट या फोर्ट्रेस के तरह यूज़ किया जाता था। फिर 1190 में किंग फ्रांसिस I ने इसको एक अपना रॉयल कलेक्शन या रॉयल पैलेस बना दिया, एंड इसने अपने सारे कलेक्टेबल्स यहाँ पे कलेक्ट किए, सारे पेंटिंग्स वगैरह। एंड अब फाइनली इसे 1790 में म्यूजियम बनाया गया। म्यूजियम में सारी दुनिया के कलेक्टेबल्स को कलेक्ट किया गया है। इतने सारे पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्टवर्क बहुत सारा है। ऑलमोस्ट 38,000 आर्टवर्क पीसेस यहाँ पे म्यूजियम में इन्होंने डिस्प्ले किए हैं। लूप म्यूजियम में ऑलमोस्ट 15,000 विजिटर्स एवरी डे आते हैं यहाँ पे पूरे ये सब आर्टवर्क देखने के लिए। यहाँ पे ग्रीस, रोम, काफ़ी पुराने सिविलाइजेशंस के जो भी रेमिनेंट्स हैं वो अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। बहुत बड़ा म्यूजियम है, ऑलमोस्ट 6 to 7 levels का है ये। जैसे आप देख सकते हैं पैंथियन का इन्होंने एक बनाया है जो कि ग्रीस में है। अभी तो काफ़ी पूरा टूट गया है, बट यस, ये बहुत ही एक फेमस स्कल्पचर है। एक्चुअली मैं पता नहीं है कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, बट इनका फेस और इस स्कल्पचर का फेस हर जगह पे दिखता है हमें, तो इसलिए सब फोटो खिंचवा रहे हैं। सबको पता है, हमें नहीं पता है, तो आप बता दो एग्जैक्टली कौन है और क्या सिग्निफिकेंस है, बट हमने बहुत देखा है इस स्कल्पचर का फोटो। सो यस, ये बिल्कुल मुझे जो ऋतिक रोशन की धूम मूवी थी उसका एक सीन याद आ गया, धूम 2 में, जिसमें ऋतिक रोशन ऐसे ही कुछ तो स्कल्पचर का कैमोफ्लाज लेके छुप जाता है और चोरी करने के लिए। बोलो, ज्यादा ही मूवी देख रहा हूँ मैं। वाह, मतलब डिटेलिंग और इतना रियल लाइफ स्कल्पचर्स लग रहे हैं ना, बाप रे बाप, मैं बता नहीं सकता हूँ। और कुछ आर्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे पेंटिंग्स भी बना रहे हैं। आई थिंक ये कोई तो इनकी गॉडेस होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ये प्रहार करने वाली है या कुछ तो पावर लेके। पर जो भी है, इनके स्कल्पचर्स ना, ग्रीक स्कल्पचर्स तो मतलब आप वर्णन नहीं कर सकते, इतने ब्यूटीफुल होते हैं। और क्या कार्विंग्स हैं, बाप रे। ये भी आई थिंक कोई तो फेमस फोटोज काफी देखी है इस कल्चर के।
ग्रीक और यूरोपियन सेक्शन के बाद हमें मोनालिसा की पेंटिंग देखनी थी। लू म्यूजियम इतना बड़ा है तो हमने सोचा कि हम पहले पेंटिंग देख लेते हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे। फाइनली अब हमने ढूंढ लिया मोनालिसा की पेंटिंग को, इतना बड़ा म्यूजियम है, बाप रे बाप, आप ढूंढते ही रह जाओगे कि कहाँ है मोनालिसा की पेंटिंग, बट हमें फाइनली मिल गई। लाओ आपको दिखाता हूँ। पेंटिंग इतनी छोटी सी दिख रही थी दूर से और इतना सिक्योरिटी था उसके आसपास, आप देख सकते हो लोग फोटो खिंचाते हुए। मोनालिसा की पेंटिंग और बाकी पेंटिंग्स के आप साइज में डिफरेंस देख सकते हो और नज़दीक से इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। जिस रूम में मोनालिसा की पेंटिंग्स है उस रूम में आपको और भी बहुत सारी पेंटिंग्स मिलेंगी, बड़ी साइज़ में, छोटी साइज़ में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स। और सबसे मज़ेदार बात, लू म्यूज़ियम में जितना भी कलेक्शन है वो फ्रांस के राजा का पर्सनल कलेक्शन था, और मोनालिसा की पेंटिंग फ्रांस के राजा ने लियोनार्डो दा विंची से ली थी जो कि इटालियन था, और ऐसे ये लू म्यूज़ियम में आई थ्रू फ्रांस के राजा का पर्सनल कलेक्शन। ये हमारे इंडिया का खंजर यहाँ पे डिस्प्ले में है लू में, तो और लिखा हुआ है कि मुगल इंडिया से आया है ये, और सिर्फ वेपन ही नहीं, एक्चुअली यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, तो भी जितना समझ में आया हमने पढ़ने की कोशिश की, तो जितना हमें समझा तो ये सिर्फ मतलब सेरेमोनियल वेपन, सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट भी है और इसको वेपन की तरह भी यूज़ किया जाता है। इस्लामिक सेक्शन के मार्बल्स डिफरेंट कलर्स में, और पता नहीं उस ज़माने में उन्होंने ये कलर्स कैसे डेवलप किए होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं और अभी ऑलरेडी 2.5 आवर्स हो गए हमें यहाँ आके, 6:30 बज रहे हैं, 4 बजे की हमारी टिकट थी और अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी निपटाएं, तो अभी हम थोड़ा घर की तरफ जा रहे हैं और लू को जल्दी जल्दी एग्ज़िट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लू बहुत ही बड़ा है और हमने अब तक पूरा देखा नहीं है। आई थिंक सिर्फ 10-15% ही देखा होगा या 20% मान लो, बट अगर आपको पूरा लू देखना है तो आपको पूरा दिन देना पड़ेगा, तो इसलिए आई फील कि 22 यूरोस की टिकट वर्थ इट है। आप आओ, ज़रूर आओ, और मोनालिसा की पेंटिंग भी अच्छी है, बट मोनालिसा के साथ साथ और भी बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छे स्कल्पचर्स भी हैं, ग्रीक स्कल्पचर्स, इजिप्शियन स्कल्पचर्स, और जो यूरोपियन वाला सेक्शन था जो रूम्स की सजावट उन्होंने की है, बाप रे बाप रे, आप सोच नहीं सकते हो कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, मतलब उनका उन्होंने प्रॉपर दिखाया हुआ है। ये है लू का रिसेप्शन सेक्शन, यहीं से आप एंट्री लोगे और एग्जिट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।